एप्पल ने दूसरी तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं। पिछले साल के मुकाबले एप्पल की वित्तीय स्थिति इस बार काफी अच्छी है और कंपनी का ग्लोबल मार्केट शेयर भी बढ़ा है। एप्पल INC के CEO टिम कुक ने दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा की। CEO इस क्वार्टर के प्रदर्शन से काफी खुश थे और उन्होंने इस क्वार्टर का कुल राजस्व $52.9 बिलियन बताया। प्रति शेयर आमदनी पिछले साल के मुकाबले 10% ऊपर गई है और आमदनी में दिसंबर तिमाही के मुकाबले 5% का उछाल आया है। ऐप स्टोर की कमाई में भी पिछले साल के मुकाबले 40% का उछाल है और डेवलपर्स की संख्या जो ऐप स्टोर पे अपना ऐप बेचना चाहते हैं उसमें 26% का इजाफा है। टिम ने बताया कि एप्पल का पेड सब्सक्रिप्शन 165 मिलियन हो गया है और इस तिमाही नए मैकबुक प्रो के लॉन्च होने से मैक रेवेन्यू में भी 14% का इजाफा हुआ है। मैक बिजनेस ने पिछले साल में $25 बिलियन की आमदनी की है। अगर राजस्व की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष के दूसरे तिमाही के मुकाबले इस साल अमेरिका में एप्पल का राजस्व 11% बढ़ा है, यूरोप में भी 10% की बढ़त है, ग्रेटर चाइना में आमदनी 14% घटी है, जापान में 5% बढ़ी है और बाकी के एशिया पैसिफिक जिसमें भारत भी आता है वहाँ 20% आमदनी ज़्यादा हुई है। एप्पल कंपनी के आकार का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके पास जो नकदी मौजूद है वो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों रिलायंस और TCS के कुल से भी ज़्यादा है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।